लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, आयोजन हो रहे हैं, उस पर कोई FIR नहीं हो रही है। कमलनाथ जी ने कहा है यह कोई अधिकारी कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये जनता की भीड़ थी। हम FIR से डरने वाले नहीं है। उपचुनाव को लेकर कहा, चुनाव के समय जो 5 साल के लिए जनता ने कमलनाथ जी को सरकार चुनी थी, शिवराज जी को भगाया था, अब 28 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला है। क्या हमेशा ये खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई जाएगी? यह सब महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस द्वारा खाट पर चर्चा करने को लेकर कहा, कांग्रेस हमेशा खाट पर ही चर्चा करती है। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। 3 विधेयक जो कि पार्लियामेंट्स में आए हैं, जिसमें किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। आज MSP की वजह से किसानों को उसकी फसल का मूल्य मिल जाता है, जो कि आगे चलकर उन्हें मिल जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर कहा, संक्रमण के मामले में 1.5 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं, 2500 से ज्यादा जाने जा चुकी है। हमारे सिर्फ एक ही नारा है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। मेहगांव विधानसभा को लेकर कहा, जो हमारे प्रत्याशी थे बन्ना, उन्होंने कहा कि कम हो जाती है, कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला है, उन्होंने माना है। स्थानांतरण को लेकर कहा, लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, इसलिए भोपाल के मंत्रालय पर भी आचार संहिता लगना चाहिए। चुनाव के समय जो 28 चुनाव जो थोप दिए गए जनता पर, जो 5 साल के लिए जनता ने सरकार चुनी थी कमलनाथ जी की और शिवराज जी को हटाया था, 28 चुनाव होने जा रहे हैं कि प्रजातंत्र इस देश में जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चुनाव का इफेक्ट तो पूरे देश पे पड़ने वाला है। तो ये हमेशा ये खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई जाएंगी, ये सब महत्वपूर्ण विषय है। उस समय ये सब स्थिति करने का कोई उचित नहीं, आपने 15 साल क्यों नहीं किया? ये पूरा का पूरा मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान जी की है। और